सो फाइनल दोस्तों मेरा फर्स्ट इनकम आ चुका है यूट्यूब से। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा कि दोस्तों मेरा फर्स्ट इनकम कितना आया है, और दोस्तों आप लोग को शेयर करूंगा और पूरा वीडियो को देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में पूरा निकाल के बताऊंगा। तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कितना आया क्या आया, सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट इनकम आज आ चुका है। अब जिस सुबह ही मैं जैसे सोकर उठा, मैं देखा कि मेरा फर्स्ट इनकम आ चुका है, ठीक है। जैसे ही मैं अपना फ्लाइट मोड करके सोया था, तो जैसे ही फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ किया, ठीक है, ऑन था तो ऑफ कर दिया, तो उसके बाद दोस्तों मैं जैसे ही देखा ना, तो मेरा पैसा आ चुका था बैंक अकाउंट में। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा दोस्तों, और पूरा निकाल कर बताऊंगा। और दोस्तों शिव भगवान की हम लोग आज जाएंगे सावन में दर्शन करने, ठीक है। तो सब कुछ मैं आज इस वीडियो नहीं है, ये ब्लॉग है, ब्लॉग। आज की इस ब्लॉग में आप लोग को मैं पूरा डिटेल्स दे दूंगा। इसमें आप लोग को कोई भी इनकम नहीं होगा दोस्तों, इसमें मेरा इनकम पता चलेगा। आप लोग बस मेरा इनकम देखिए आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो चले दोस्तों इस बाइक में जाते हैं और दोस्तों पैसा निकालते हैं और आप लोग को बताते हैं पूरा प्रोसेसिंग। फाइनल दोस्तों मैं आ चुका हूं एटीएम। अब चले दोस्तों पैसा को निकालते हैं, उसके बाद दोस्तों आप लोग को मैं बताऊंगा पूरा पैसा को निकाल कर, उसके बाद गिनेंगे उसे कि कितना पैसा है, ठीक है। तो चले दोस्तों यहां पर एटीएम है, यहां पर आप लोग देख सकते हो एटीएम है। चले दोस्तों मैं पीछे करता हूँ, उसके बाद दोस्तों आप लोग को मैं बताता हूँ पूरा निकाल के। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एटीएम है, एटीएम के अंदर जाऊँगा और पैसा निकाल कर आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एटीएम के अंदर आ गया, कुछ इस तरह से एटीएम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, तो चलिए यहाँ पर डालता हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं डाल चुका हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आता है, उसके बाद हम लोग जैसे करते हैं ना, तो बहुत ही आसानी से पैसा हम लोग का निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग जैसे कार्ड को डालते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो चले दोस्तों मैं यहाँ पर देख सकते हो पूरा प्रोसेसिंग करके पैसा को निकाल लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर इंग्लिश पे सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद दोस्तों पैसा को निकाल लेता हूँ। तो चले दोस्तों मैं पैसा को सबसे पहले निकाल लेता हूँ। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा पैसा निकल चुका है, आप लोग के सामने मैं निकाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये जो पैसा है ये मेरा फर्स्ट पेमेंट है, ठीक है। अब कितना पैसा आया उसको मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग उसके लिए वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मेरा आवाज थोड़ा कम आ रहा होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर झनक रहा है, ठीक है। तो चले दोस्तों घर जाते हैं और आप लोग को बताते हैं पूरा गिन कर कि दोस्तों कितना पैसा आया। तो चले दोस्तों चलते हैं फिर नावागढ़, क्योंकि दोस्तों नावागढ़ में शिव भगवान का मंदिर है, उसका आप लोग को मुझे दर्शन कराना है। क्योंकि दोस्तों वहाँ का जो शिव भगवान है ना, वो धरती से निकले हैं, मतलब दोस्तों शिव भगवान नहीं निकले हैं, लेकिन दोस्तों जो शिवलिंग होता है ना दोस्तों, वो शिव भगवान निकले हैं धरती से। तो दोस्तों उसका मैं आप लोग को दर्शन करा देता हूं, तभी दोस्तों आप लोग भी जानोगे कि दोस्तों नावागढ़ में इतना पवित्र दर्शन होता है दोस्तों, क्या ही बताएं। तो चले दोस्तों नावागढ़ चलते हैं और आप लोग को बताता हूं पूरा प्रोसेसिंग। फाइनल दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं नावागढ़, यहां पर देख सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मैं आप लोग को अच्छे से बता दूंगा, उसके बाद आप लोग पूरा वीडियो को कंटिन्यू देखना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे भोलेनाथ जी जो धरती से निकले हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं शिवलिंग, शिवलिंग धरती से निकले हैं, ठीक है, उसे आज की इस वीडियो में देखेंगे, आप लोग को दर्शन कराऊंगा। तो आप लोग को वीडियो को कंटिन्यू देखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अंदर जाते हैं और आप लोग को बताते हैं पूरा दर्शन कराते हैं आप लोग को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब आप नावागढ़ आते हो ना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर आप लोग को गेट दिखेगा, उसमें दोस्तों यहाँ पर आप लोग को महादेव बहुत ही आसानी से दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं जूम कर दिया आप लोग को बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही अंदर जाते जाओगे ना, यहाँ पर और कुछ बहुत सारा दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो बहुत बड़ा दोस्तों तालाब दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर जब आगे जाते हैं,
तो यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो महादेव पार्वती का यहाँ पर बहुत ही बेहतर दोस्तों आप लोग को मूर्ति देखेगा। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही आसानी से दिख रहा है, ठीक है। आप लोग को और अच्छे से मैं बता देता हूँ, देख सकते हो दोस्तों महादेव पार्वती का बहुत ही बड़ा यहाँ पर मूर्ति देखने को मिल जाता है। जिसको आप लोग देखते हो ना दोस्तों, तो आप लोग इतना अच्छा लगे आप लोग को कि क्या ही मैं बताऊं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत बड़ा इसका यहाँ पर आप लोग को मंदिर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोग को तालाब दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका जो तालाब है दोस्तों, उसका पानी को भी पिया जाता है। दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर देख सकते हो मंदिर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बजरंगबली भगवान की भी पूजा करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हो। इसमें आप जब आओगे ना दोस्तों नावागढ़, तो आप लोग को सब भगवान देखने को मिल जाता है। बजरंगबली भगवान, पार्वती माता, यहाँ पर शिव भगवान सब मिल जाते हैं आप लोग को देखने को, ठीक है। यहाँ पर नंदी बेला जो बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो गणेश भगवान जी, यहाँ पर हर चीज़ मिल जाते हैं आप लोग को देखने को। मतलब ऐसा नहीं कि दोस्तों शिव भगवान बस आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोग सभी भगवान का दर्शन कर लोगे दोस्तों बहुत ही आसानी से। अब ये जो देख रहे हो ना दोस्तों, यही शिवलिंग भगवान है जो धरती से निकले हैं, जिसका नाम रख दिए हैं दोस्तों लिंगेश्वर भगवान, जैसे कि आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा था बहुत ज़्यादा, अब हर साल बढ़ता है, तो इसका साइज आप लोग देख सकते हो बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन दोस्तों जब ये शिवलिंग जब निकला ना धरती से, तो बहुत ज़्यादा छोटा था। तो फाइनल दोस्तों हम लोग पूजा करके निकल चुके हैं नावागढ़ के मंदिर से, ठीक है। अब चले दोस्तों घर जाते हैं और आप लोग को बताते हैं कि मेरा फर्स्ट पेमेंट कितना आया, ठीक है। आपको गिन के बताते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं घर। तो दोस्तों मैं घर आ चुका हूं। अब दोस्तों आप लोग को मैं बताता हूं कि मेरा पेमेंट कितना आया है। तो दोस्तों ये जो Redmi का मोबाइल देख रहे हो ना, इसको दो बार परचेस कर सकते हो आप लोग, मतलब दोस्तों दो बार आप लोग खरीद सकते हो, इतना मेरा पेमेंट आया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को सब कुछ पता चल गया, आप लोग को भगवान का दर्शन भी करा दिया, आप लोग को पेमेंट भी बता दिया, अब हर चीज़ आप लोग को पता चल गया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। तो मैं आप लोग को पैसा कमाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।